के साथ महेश जैन नर्सिंग छात्र संगठन के बैनर तले देखा जा रहा है कि नर्सिंग छात्र जो हैं 3 साल से परीक्षा आयोजित नहीं होने को लेकर अब छात्र जो हैं मामा शिवराज तो विद्यार्थियों के हित की बात कर रहे हैं। यहां देखा जा रहा है कि मामा के भांजे भांजी जिन्होंने कल भी यहां पर रैली निकाली थी आज यहां पर धरना प्रदर्शन करा है। देखेंगे यहां पर नर्सिंग के छात्र जो हैं बड़ी संख्या में 3 कॉलेज हैं वहाँ के छात्र जो हैं यहाँ पर आज आंदोलन की राह अपना रहे हैं। आखिर क्या बातचीत है यहाँ पर देखा जा रहा है। कांग्रेस की नेता जो नूरी खान भी यहाँ पहुँची, उमराव सिंह गुजर भी पहुँचे, हम इनसे बात करेंगे। एक तरफ तो सरकार स्टूडेंट के हित की बात करिए, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भांजे भांजियों को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या कुछ मामला है दीदी मुझे बताइए, आज यहाँ पर आई हैं, इन बच्चों से बात करी है, अभी देखा जा रहा है कि अब स्टूडेंट जो है विधानसभा चुनाव में यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं, क्या इनकी मांग है, सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? देखिए ये सरकार व्यापम घोटाले की सरकार है, इस सरकार के रहते हुए पटवारी घोटाला हुआ है, घोटालों से तो ये सरकार बाज नहीं आई थी, लेकिन आज इन छात्र छात्राओं का चेहरा आप देखिए, 3 साल से ये परीक्षा देना चाह रहे हैं, इनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही है, कॉलेज को परमिशन इस सरकार ने ही दी थी और इस सरकार की वजह से ही इनका एडमिशन भी हुआ, लेकिन आज इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि ये एक ऐसी सरकार जो जिसका मुख्यमंत्री जो है खुद को मामा कहता है और आज ये होनहार भांजियाँ सड़कों पर बैठी हैं, इनका भविष्य अंधकार में है, तो सरकार को सोचना चाहिए, इनकी मांगे जल्द माननी चाहिए। कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, 1 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं और इनके डेलीगेशन को उनसे भी मिलवाया जाएगा। उमराव जी आप भी यहाँ आए, लगातार देखा जा रहा है कि स्टूडेंट को एक आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है, तो फिर ये स्टूडेंट हित की बातें, भांजो भांजो की हित की बातें ये कहा जा रही है? देखो इनके माता पिता ने बड़े गरीब स्थिति में थे, इनको यहाँ पे इस अवसर पर भेजा कि आगे कहीं ना कहीं ये लोग सेवा भी करेंगे और आय भी अर्जित होगी, इसी सरकार ने इनका एडमिशन करवाया, लेकिन 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, इसमें इनकी क्या गलती है? गलती है तो सरकार की, सरकार में बैठे हुए लोगों की, गलत परमिशन दी तो उनने दी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और इनको दोषी माना जा रहा है। निश्चित रूप से मामा जी एक तरफ कहते हैं कि ये हमारे भांजे भांजियाँ हैं और एक तरफ 3 साल से इनके साथ अत्याचार हो रहा है और एग्जाम नहीं देने दी जा रही है और ये सरकार इनकी सुन नहीं रही है, ऐसी स्थिति में इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और पूरी कांग्रेस इनके साथ है। बेटा बताइए कौन सी क्लास के पढ़ने वाले और किस बात को लेकर आपको यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है? हम फर्स्ट ईयर के हैं, 3 साल हो गए एक ही क्लास में और एग्जाम भी नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर। क्या चाहते, क्या पहले कोई आंदोलन नहीं करा आपने, राह अपनाई, ज्ञापन दिया, क्या करा? नहीं पहले कुछ नहीं हुआ, ज्ञापन दिए ना पहले आप लोगों ने? दिए थे, ज्ञापन दिए। बेटा कौन सी क्लास के हो आप? बीएससी। क्या मांग, क्या आखिर धरने पर क्यों? मामा जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भांजे भांजों को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? हमारी एग्जाम्स नहीं हो रही, 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे, तो क्या बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है? हाँ अंधकार में। अब क्या करेंगे, आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? हमारी एग्जाम नहीं हो रही, हम 3 साल से एक ही क्लास में बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ 3 दिन में अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम फिर या तो भूख हड़ताल करेंगे या चारों ओर चक्का जाम करेंगे। दीदी मुझे बताइए आप यहाँ आए हैं इनके बीच, क्या इनकी लड़ाई में कांग्रेस इनके साथ कब तक रहेगी और किस प्रकार से कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी? देखिए मध्य प्रदेश में लगातार, अब अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी देखें, पटवारी संघ की परीक्षा के छात्रों को देखें, अग्निवीर को देखें, हर स्टूडेंट जो है, हर तबका जो है वो आंदोलन करने के लिए मजबूर है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो सेवा की भावना वाला प्रोफेशन है, पिछले कोरोना काल में भी जिन नर्सों ने काम किया था कोरोना योद्धा के रूप में, उन तक को पुरस्कार सरकार नहीं दे पाई थी, उनके अधिकारों का भी हनन सरकार ने किया था, आज ये होनहार भविष्य सड़कों पर बैठा है और हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इनके साथ जो दुर्भावनाग्रस्त कार्य सरकार ने किया है तुरंत उसका निराकरण भी किया जाएगा। जैसा कि बताना चाहूंगा यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो है बड़ी संख्या में, यहाँ पर कल भी इन्होंने रैली निकाली थी, आज यहाँ पर इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना होगा मामा शिवराज एक तरफ तो भांजे भांजों की हित की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या नर्सिंग स्टूडेंट है इनकी मांग मानी जाएगी, परीक्षा आयोजित होगी, या फिर ऐसे ही मामा शिवराज के राज में यह आंदोलन की राह अपनाते रहेंगे और इनको हमेशा परेशान होना पड़ेगा।